subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म भारत की शूटिंग में काफी बिजी है। इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों मुंबई में चल रही है। फिल्म सिटी में फिल्म भारत का बड़ा सेट लगाया गया है। इस फिल्म के लिए सलमान खान के साथ बाकी कलाकार भी काफी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी फिल्म को काफी प्रमोट किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस फिल्म से जुड़ी कई खबरें उनके चाहने वालों के बीच वायरल होती हुई नजर आती रहती है। इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई है जो कि फिल्म भारत के सेट से ली गई है। बता दें कि इस तस्वीर को प्रोड्यूसर अतुल ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वैसे आपको बता दें कि बाकी शेयर किए गए तस्वीरों की तरह ही भारत की इस तस्वीर में भी सलमान खान का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। सल्लू मियां की सिर्फ पीठ दिखाई दे रही है। इसमें सलमान खान ने जो टी शर्ट पहन रखी है उस पर भारत क्रू लिखा हुआ है। आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं। सलमान खान की ये फिल्म भारत में ईद के मौके पर यानी कि 5 जून को रिलीज होने वाली है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में सलमान खान की फिल्म भारत ईद के मौके पर रिलीज नहीं होने वाली है। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर ईद से 2 दिन पहले और इसके 2 हफ्ते बाद भारतीय कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में यह सर्कुलर पिछले साल आया था जो कि इस साल भी वहां पर लागू किया जाएगा। अगर सलमान खान की फिल्म भारत पाकिस्तान में ईद के मौके पर रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर उनकी टक्कर फवाद खान की फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट से होने वाली है। पाकिस्तान में फवाद खान से भी ज्यादा सलमान खान को पसंद किया जाता है। वहाँ के दर्शक बड़े उत्साह से सलमान खान की हर फिल्म सिनेमाघरों में तक देखने के लिए पहुंचते हैं। खैर, भारत में सलमान खान के अलावा कटरीना कैफ, दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर और तब्बू दबदार किरदार के साथ दिखाई देने वाले हैं। आपको सलमान खान का ये फोटो कैसा लगा ये हमें जरूर बता नीचे कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।